हे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है केतनवीर शर्मा। होप यू आर डूइंग वेल। आज के हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ओयो के बारे में। टुडे विल बी अ केस स्टडी सेशन बिजनेस और एमबीए करने वालों के लिए। दिस इज़ रियली अ गुड टॉपिक। तो आप, मेरा नाम है केतनवीर शर्मा। आप मेरे बारे में डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, यू कैन चेक दम आउट। वेंचर स्टोरी बिजनेस रिव्यू, ये जो प्रेजेंटेशन इसके साथ में अवेलेबल है, इन द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन यूज़ इट फ्री फॉर द एकेडमिक एंड द इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो केस स्टडी आज का जो है उसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक जो प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व करी है इन वेरियस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इज़ दैट जो बेसिक जो जागरण है उससे थोड़ा सा ये घबराते हैं। तो हमने कुछ कोशिश करी है कि नए एंटरप्रेन्योर्स जितने भी आ रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक मौका मिले सो दैट दे कैन लर्न अबाउट द बेसिक द डिटेल्स। आपकी स्क्रीन पर स्टार्टअप डिक्शनरी है, इसमें सबसे पहले आता है वेंचर कैपिटल। आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ द वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल मीन्स इट्स कैपिटल इन अ प्रोजेक्ट इन विच देयर इज सब्सटैंशियल एलिमेंट ऑफ रिस्क, टिपिकली न्यू और इन एन एक्सपैंडिंग बिजनेस। सो सिमिलरली वी हैव, मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट पोस्ट किए हैं, जस्ट लाइक रेगुलेशन, एबिटा, स्टार्टअप क्या होता है, बेसिक स्टार्टअप की डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, यूनिकॉर्न क्या होता है या फिर कोवर्किंग क्या होता है। तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। कमिंग टू द नेक्स्ट वन वी हैव द कोट अनकोट। ये आज का जो कोट है, आज की जो थीम है दैट इज़ रिस्क इट वर्सेस रिग्रेट इट। तो ये एक कोट, दिस हैज़ बीन गिवन बाय रितेश अग्रवाल, दैट इज़ द सीईओ एंड द फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स। एंड यही आज की थीम भी है कि डू यू हैव टू रिस्क इट और यू will have to regret it in the later on. So let's see what the trade off is like. So basically start करते हैं। सबसे पहले तो हम ओयो रूम्स को थोड़ा सा जान लेते हैं। ओयो रूम्स इज़ ऑल्सो नोन एज ओयो होटल्स एंड होम्स। ये लगभग वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी चेन्स है। मतलब एक बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाला स्टार्टअप है। 2013 में आया और 2014-15 में, अभी मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखाऊँगा। तो ये एकदम इसने स्पीड पकड़ी और ये बड़े बड़े होटल चेन्स को फेल करता गया। इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें मेन नाम जो आजकल स्टार्टअप इंडस्ट्री में चल रहे हैं जैसे कि सॉफ्टबैंक, ग्रीनोक्स, सिकोया, लाइटस्पीड, हीरो वेंचर्स, एनपीएनबी एंड सबसे कंट्रोवर्शियल चाइना लॉजिंग ग्रुप। इसके ऊपर हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ इश्यूज हमें देखने को मिले। फर्दर मूविंग ऑन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओयो के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज काफ़ी सारे डाइवर्स हैं। इन्होंने क्या किया है कि ओयो रूम्स को, ओयो होटल्स एंड होम्स को एक मल्टी ब्रांड अप्रोच दिया है, जिसके अंदर ओयो टाउन हाउस, ओयो होम्स, ओयो वेकेशंस, कैपिटल ओ कलेक्शन, ओयो लाइफ आता है। और इसके साथ में कुछ इनकी सब्सिडरीज और भी हैं, जैसे एक इन्होंने बाई करी है 2019 में, दैट इज़ द कोवर्किंग स्पेस इनोवेट। तो उसको इन्होंने 580 करोड़ के एक स्लैब के अंदर इन्होंने परचेज़ किया है फ्रॉम डॉक्टर रितेश अग्रवाल, रितेश मलिक। तो वो उनका एक वेंचर था इनोवेट एंड इट इज़ लाइक द बिगेस्ट ऑफ द कोवर्किंग स्पेसेस अवेलेबल इन इंडिया। मतलब इट इज़ इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद वीवर्क। तो कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन ओयो के बारे में आप देख सकते हैं। इसको ईटी स्टार्टअप अवार्ड मिला है, इसको ईवाई एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है, इसको लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप अवार्ड मिला है, इसको मतलब टॉप जितने भी मेन अवार्ड हो सकते हैं, सीएनबीसी यंग ट्रंक्स ऑफ द ईयर, इनको सब मिला है। अचीवर्स क्लब रिपब्लिक की तरफ से मिला है। मतलब एवरीथिंग, दे आर एवरीवेयर। ये कुछ फोटो जर्नल है, ये ना सिर्फ ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। इसमें आप देखेंगे चाइना के भी इनके मेम्बर्स हैं और अलग अलग नेशनैलिटीज़ के इनके वेरियस मेंबर्स हैं। इनकी टीम पार्टीज़, चिलिंग इवेंट्स की इन्होंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे पोस्ट करी हैं। और न्यूज़ में भी ये काफ़ी एक्टिव है। 2019 की रिपोर्ट भी है यहाँ पे, 2020 की भी है। 2019 में इट वॉज सेट दैट 5 ओयो प्रॉपर्टीज़ वर बुक्ड एवरी सेकेंड। तो आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इनका टेक स्टैक कितना बढ़िया ऑपरेट कर रहा है इस टाइम पे और बिजनेस इनका कितना बूमिंग पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवांका ट्रम्प, शी इज़ लाइक द डॉटर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो शी इज़ ऑल्सो गिविंग एप्रिसिएशन टू ओयो। और इन्होंने अभी कुछ मार्च में 2020 में अराउंड लेस दैन $1 बिलियन इन्होंने रेस किया है फ्रॉम सॉफ्टबैंक एंड आर्य होल्डिंग्स। तो मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड पे चल रहा है आज की डेट में। 2020 में भी ये ग्रो कर रहा है। और मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि 2014-15 में इसने एकदम लीप लिया था, तो वो ये लीप है। इन्होंने 34 टाइम्स इनकी एकदम इन्होंने ग्रोथ पोस्ट करी थी और उसके बाद में वो एकदम फैल गया था ऑल ओवर द कंट्री। अभी इस टाइम पे पॉजिटिव न्यूज़ में और भी कुछ है हमारे पास, जैसे कि रोहित कपूर ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया होटल्स एंड होम्स एंड ऋषि गुप्ता जो कि ही यू नो लॉन्च्ड OYO इन इंडोनेशिया, ही हैज़ बीन प्रोमोटेड एंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री हेड फॉर UK एंड आयरलैंड फॉर OYO। सो बेसिकली ये कुछ इनके मेन की पर्सनस हैं, इनका सक्सेशन प्लान उन्होंने एक्टिवेट जो इस टाइम पे कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट OYO की वैल्यूएशन 10 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, 1 बिलियन इनका रेवेन्यू था इन 2019। एक फेमस कोट है रितेश अग्रवाल का, दैट इज़ हायर पीपल नॉट फॉर टुडे बट फॉर 2 to 3 years फ्रॉम नाउ एंड लेट देम ग्रो विद द कंपनी, क्योंकि अगर लोग ग्रो करेंगे तो कंपनी ग्रो करती है। तो इसी हिसाब से इनकी एक फ़िलासफ़ी है। न्यूज़ पॉजिटिव काफ़ी चल रही थी, जैसे कि 70% OYO चाइना में खुल गई 2020 की न्यूज़ है ये 11 मई की। अपार्ट फ्रॉम दैट OYO ने मोर देन 3000 रूम्स जो हैं वो मुंबई में उसके बुक हुए हैं कोरोना वायरस के अंदर। ये मई की न्यूज़ है, मई 2020 की। तो पॉजिटिव न्यूज़ चल रही थी, अचानक से एक न्यूज़ आती है मार्केट में कि रितेश अग्रवाल ने CEO से स्टेप डाउन कर लिया OYO के, और OYO का बबल बर्स्ट हो गया। और उसके बाद से एकदम एक वेव चल पड़ती है नेगेटिव ब्रांडिंग की, और उसको एक कवरअप किया जाता है इनकी OYO की मेन टीम के थ्रू। PR ब्रांडिंग मैं कहूँगा इन्होंने काफ़ी अच्छी हैंडल करी है यहाँ पे। बेसिकली एक न्यूज़ आती है, फेक न्यूज़ आती है कहीं से कि CEO ने रिज़ाइन कर दिया है या स्टेप डाउन कर दिया है, और फिर इनके एक मेंबर बेट्सी एटकिन्स बोर्ड मेंबर हैं OYO के, ही कम्स फॉरवर्ड एंड टेल्स दैट नो ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग लाइक दैट एंड इट इज़ अ होक्स। सो इस न्यूज़ के बाद में थोड़ा और देखते हैं, मतलब जैसे आपकी स्क्रीन पर होंगे रितेश अग्रवाल, ही इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ OYO। ही वॉज बॉर्न कटक इन ओडिशा एंड ही इज़ द लाइक इनकी नेटवर्थ ओवर 1 बिलियन है। और पॉजिटिव न्यूज़ चल रही थी, कवरअप अच्छा था, साथ में नेगेटिव न्यूज़ एक बार देखते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज OYO रूम्स इज एक्यूज ऑफ क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस में इन्होंने थोड़ा मतलब कंपटीशन को दबाने की कोशिश करी विद देयर एनालिसिस विद देयर टेक्नोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम दैट इनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी हुए हैं 2019 में, और प्रॉफिट्स नहीं हुए हैं बिल्कुल भी, रेवेन्यू लेकिन इनका ग्रो किया है काफ़ी ज़्यादा। सो काफ़ी न्यूज़ में है, नेगेटिव न्यूज़ में भी है OYO, और बैड ब्रांडिंग भी इनकी काफ़ी हुई है। बैंगलोर में अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, और भी शहरों में इनके प्रोटेस्ट होते हैं, क्योंकि कुछ जो होटल ओनर्स हैं उनका कहना है कि हमारा पैसा रुका हुआ है। और कॉन्ट्रोवर्सीज इनकी है, जैसे कि शेयरिंग ऑफ द कस्टमर डेटा विद द गवर्नमेंट इन 2019, इस पर कलेश हुआ था। फिर एक कलेश हुआ था इनका यूज़ ऑफ प्रेडेटरी प्राइसिंग पे, इन्होंने कुछ 2018 में ईमेल सेंड करी थी, उस पर केस इशू हुए थे। डाउन साइजिंग ऑफ OYO चाइना में फिर मार्च 2020 में इनका इशू स्टार्ट हुआ। उसके बाद में इन्होंने श्रीलंका से एकदम पुल ऑफ कर लिया, सारे ऑपरेशन शट डाउन कर दिए। फिर उसके बाद में इन्होंने US में अब लेटेस्ट जून 27, 2020 को खबर आई है कि इन्होंने वहाँ के लोगों का क्या है, बेसिकली वहाँ के जो होटल ओनर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि ये तो इंडियन कंपनी आ गई है, तो सस्ते में काम करने वाले हैं, और इन्होंने एकदम बढ़िया टेक्नोलॉजी बना रखी है, और ये आ गए तो हम सब तो लुटपट जाएंगे। सो दे हैव यू नो डन ट्राइंग टू यू नो OYO को दबाने की कोशिश करी, और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होता दिख रहा है। तो यहाँ पे आई गेस गवर्नमेंट को एक अपना व्यू पॉइंट रखना चाहिए सामने, और OYO को प्रोटेक्ट करना चाहिए US में, क्योंकि US कंपनीज़ भी इंडिया में अच्छे से ऑपरेट करती हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में आप देख लीजिए IBM भी तो ऑपरेट करता है, सो वाई कैन नॉट OYO ऑपरेट इन US? कंपनी तो है तो टेक्नोलॉजी में ही बेसिकली। हॉस्पिटैलिटी इज़ लाइक द साइड वर्टिकल। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी इनके चैलेंजेस हैं, जैसे कि अब हमको चैलेंजेस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द कंप्लेंट्स बाय द होटल्स ओवर द अनपेड ड्यूज। उसके बाद में इन्होंने एक्सपेंशन तो बहुत तेज़ी से कर लिया, लेकिन बैड ब्रांडिंग को ये कंट्रोल नहीं कर पाए, और उस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा इशूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। कॉम्पिटिशन इन्होंने दबाने की कोशिश करी है प्रेडेटरी प्राइसिंग के थ्रू, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। प्रोटेस्ट इन US ओवर OYO's एंट्री, वहाँ के लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोविड के अंदर में इनकी जो लीडरशिप पूरी, अब ऐसा है ना OYO एक कंपनी से बढ़कर एक पूरी इंडस्ट्री बन चुका है, ठीक है। तो उस इंडस्ट्री को जो चला रहे हैं हेडिंग इस टाइम पे CEO हैं जो रितेश अग्रवाल वो हैं, तो उनको सिर्फ अपनी कंपनी को नहीं पूरी इंडस्ट्री को लीड करना चाहिए, नेविगेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ही हैज़ रीच्ड यू नो दैट लेवल एंड वो लीडरशिप अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी छोटे प्लेयर्स हो गए हैं इस टाइम पे पर्सपेक्टिव में, उनके हाथ में इतना कंट्रोल है नहीं, और जिसके पास में इतना कंट्रोल है इज़ नॉट एबल टू लुक यू नो टू दीज थिंग्स प्रॉपरली। सो आई गेस ही शुड फोकस मोर एंड इस इंडस्ट्री को वो पुल आउट कर सकते हैं। एक सजेशन मेरा यहाँ पे ये है कि वो पूरे पैन इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ में टाई अप कर सकते हैं कि जितने लोग चाहें वो उनके होटल्स यूज़ कर सकते हैं और कंसेशनल प्राइजेस ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि एवरीबडी वांट्स कि वो जाके किसी मतलब एक ठीक जगह जाके अपना इलाज करवाएं अगर उनको कोविड या कोरोना होता है तो। सो दिस कैन बी यूज, और ये ऑलरेडी कर चुके हैं जैसे मुंबई में, सो दे कैन एक्सपैंड दिस थिंग एंड इट विल, जब तक कोरोना है तब तक ओयो के होटल्स भी चलते रहेंगे एंड एवरीबडी वुड बी हैप्पी, सो दे कैन यूज़ दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ लेट्स रीड अबाउट SoftBank जो कि इनका मेजर इन्वेस्टर है। SoftBank के बाकी स्टार्टअप्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो है Snapdeal, दूसरा है Paytm, तीसरा Housing, चौथा Ola, Grofers एंड Hike, सारे के सारे लॉसेस में हैं। Snapdeal 3,500 करोड़ के लॉसेस में है, Paytm 1,500 करोड़ के लॉस में है, हाउसिंग फाइनेंस 400 करोड़ के लॉस में है, ओला 2,000 से ऊपर के करोड़ के लॉसेस में है, ग्रोफर्स भी लॉस में, हाइक भी लॉस में। सो एवरीथिंग उसकी वजह से इनका प्रेशर इन्होंने जो है वो ओयो पे डालना स्टार्ट किया, क्योंकि ओयो अच्छा खासा एटलीस्ट कमा तो रहा है और इनके 2-3 स्टार्टअप बाहर फेल हो गए, फेल तो नहीं बेसिकली उनके IPO बहुत ख़राब निकले हैं, जैसे वीवो और ऊबर का आई गेस। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम मेन इस वीडियो के सेशन पे आते हैं जिसमें हम लेसन्स पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ओयो इज़ आउटस्टैंडिंग मार्केटिंग, दैट इज़ इनका जो ओयो रेड सर्कल्स का जो एक पोस्टर से दीवार पे लगाते हैं होटल की वॉल्स पे, तो वो इवन फ्लाईओवर से 2-3 किलोमीटर दूर से दिख जाता है कि देयर इज़ अ बिग होटल दैट इज़ एन ओयो एफिलेटेड होटल एंड दैट इज़ अवेलेबल एयर। सो वो एक ब्रांडिंग इनकी रेड कलर की जो है वो बहुत दूर तक दिखती है, वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग मार्केटिंग है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड लेसन इनका जो है दैट इज़ अ पार्टनर डिजिटाइजेशन। इन्होंने क्या है कि माइक्रो वेबसाइट्स क्रिएट कर दिए हैं अपने होटल्स और मैनेजमेंट के लिए वाया, और जो उनका मैनेजमेंट्स है उनको पूरा इन्होंने ऐप पे इंटीग्रेट कर दिया है। तो मतलब जो चीज़ पहले पेपर पे होती थी अब वो ऐप पे हो रही है, वो अब पूरा सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो वो सब कुछ डिजिटाइज हो गया है एंड एवरीथिंग इज़ लाइक स्ट्रीमलाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट द थर्ड लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ओयो इज़ द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इन्होंने अभी एक मेजर वेडिंग प्लानर को ख़रीदा है जिसका नाम आई गेस weddings.com है आई गेस। प्लीज़ कमेंट बिलो आपको अगर इसका प्रॉपर नाम पता है तो, और अगर आपको 2-3 ऐसे इनके हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में वेंचर्स पता हैं तो प्लीज़ मेंशन डाउन बिलो। तो इन्होंने उसको बाय आउट किया, वो भी इनका काफ़ी अच्छा एक वेंचर है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने हॉरिजॉन्टल और इंटीग्रेशन के लिए दे बॉट इनोवेट एज वेल, दैट इज़ अ कोवर्किंग सेगमेंट, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा उसके अंदर में एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया है। द फोर्थ लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ओयो इज दैट इज़ द इन्वेस्टर प्रेशर। ये एक चीज़ एक नेगेटिव जो है वो अभी हम इसको देख रहे हैं इस पॉइंट को, इस लेसन को, कि कंपनी जो है वो इन्वेस्टर की हीट जो है उसको फेस करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। ओयो अपने आप में तो ठीक है, एक अच्छा वेंचर है, सक्सेसफुल वेंचर है आज की डेट में, बट इन्वेस्टर जो है उसको दूसरे अपने इन्वेस्टमेंट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं और वो सारा प्रेशर वो ओयो पे डाल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेसन नंबर, सो वी हैव टू सी लाइक अभी ओयो का ये एक टेस्ट है, एग्ज़ाम है, अब देखते हैं कि ओयो इसमें पास करता है या नहीं करता है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेसन नंबर 5 पे आते हैं। लेसन नंबर 5 है कि एग्रीगेटर मॉडल जो है इस इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में, वो बहुत अच्छे से वर्क किया जा सकता है प्रोवाइडेड उसको आप मैनेज बहुत अच्छे से करें, ठीक है। तो ये आगे आने में भी हो सकता है कि काफ़ी बड़े जाइंट्स इसके अंदर इस इंडस्ट्री में मूव ऑन करें अगर ओयो थोड़ा सा, अगर उसके लॉसेज अगर इंक्रीज़ होते हैं और वो कट डाउन स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। तो मे बी सो फॉर देम देयर वुड बी लेसन कि देखो ये चीज़ सक्सेसफुल तो है, आपको चलानी आनी चाहिए। तो फेमस कोट जो है रितेश अग्रवाल का, अब हम उस पर आते हैं, दैट इज़ यू मस्ट बी विलिंग टू स्ट्रेच आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ही इज़ सेइंग दैट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक रिस्क, आपको इमोशनली अच्छे से मतलब अपने वेंचर को और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सो this was all for today. My name is Ketanveer Sharma. I have written down my mailing address, contact and Instagram. You can just follow this particular video, this particular channel, like it, comment, share, and होप करता हूँ मैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कर दो यार, कमेंट कर दो प्लीज़. थैंक यू सो मच.